हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर टेलीविजन इंजीनियरिंग के हम लोगों ने देखा था प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस का सर्किट। प्री इम्फेसिस हम लोग ट्रांसमीटर में यूज़ करते हैं और किस काम में आता है, जो भी हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने में, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी में जाते जाते, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक्स होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी तक पहुँचते पहुँचते उसका एम्पलीट्यूड बहुत लो हो जाता है, और लो एम्पलीट्यूड के कारण नॉइज़ ज़्यादा अफेक्ट उसी को करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर साइड में ट्रांसमिशन के पहले जो भी हायर फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड बूस्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसको कहते हैं प्री इम्फेसिस। फिर वो सिग्नल हम लोग रिसीवर में रिसीव करते हैं और जिस भी अमाउंट से हम लोग एम्पलीट्यूड बूस्ट किए थे उसी अमाउंट से वापस से उसका एम्पलीट्यूड घटा देते हैं, जिसको कहते हैं डी इम्फेसिस। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि प्री इम्फेसिस डी इम्फेसिस जो होता है हाई पास लो पास सर्किट होता है, इसका सर्किट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रोपगेशन कैसे होता है। ठीक है, जो हमारा रेडियो वेव है वो कैसे प्रोपगेट होता है, या फिर ट्रांसमिशन हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिट कर दिए, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो प्रोपगेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा मॉड्यूल 3 का ये जो तीसरा टॉपिक है वो यही है, टीवी सिग्नल प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग देखेंगे कि जो प्रोपगेशन हो रहा है वो तीन टाइप का होता है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। ये तीनों कब कौन सा प्रोपगेशन यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे, वो डिपेंड करता है हमारा जो भी सिग्नल हम लोग भेज रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है उस पे। ठीक है, तो हम लोग रेडियो वेव प्रोपगेशन देखेंगे, टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन देखेंगे, इंटरफेरेंस कौन कौन सा अकर होता है टीवी सिग्नल में वो देखेंगे, और AM को क्यों चूज किया गया पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए वो भी देखेंगे। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि FM को क्यों हम लोग साउंड ट्रांसमिशन के लिए यूज किया, इस लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रेफरेंस AM को क्यों दिया गया पिक्चर सिग्नल के लिए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सो रेडियो वेव प्रोपगेशन, ठीक है, रेडियो वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसा वेव जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी हो और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी हो, उसको कहते हैं EM वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम लोग जो भी ट्रांसमीटर पे हमारा जो एंटीना रहता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, इससे जो भी वेव रेडिएट होता है वो क्या होता है, EM वेव्स होता है। ये क्या करता है, ट्रांसमीटर से जो रेडिएट होता है वो स्पेस में ट्रेवल करके और रिसीवर पे रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्पेस में ट्रेवल करता है लेकिन ये जो भी सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करके हम लोग चूज करेंगे कि हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज करेंगे, स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करेंगे या फिर स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करेंगे। तो इन टोटल हमारे पास कितने टाइप का प्रोपोगेशन हुआ, एक हुआ ग्राउंड वेव, दूसरा हुआ स्काई वेव, तीसरा हुआ स्पेस वेव। ठीक है, और कब कौन सा प्रोपोगेशन यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो सिग्नल है जिसको हमको ट्रांसमिट करना है उसका वेवलेंथ कितना है। ओके, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, अगर किसी भी सिग्नल का वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, अगर किसी भी सिग्नल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, जहाँ C होता है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा होता है वेवलेंथ और F होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा जो है वो घटेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो लो बहुत कम वेवलेंथ का जो रहता है वो हम लोग करते हैं ग्राउंड वेव से, फिर स्काई वेव आता है, फिर स्पेस वेव आता है। तो सबसे पहले ग्राउंड वेव पढ़ते हैं। Vertically polarized EM waves radiated at zero or small angles at grounds are guided by the conducting surface of ground along which they are propagated. हमारा अर्थ जो है, ठीक है, राउंड है और हम लोग मानते हैं कि जो अर्थ का सर्फेस है ये होता है कंडक्टिंग सर्फेस। ये जो सर्फेस है अपर सर्फेस, ये हम लोग मानते हैं कि अर्थ सर्फेस इज कंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो भी लो फ्रीक्वेंसी है, जैसे जो भी सिग्नल हमारा 15 किलो हर्ट्ज के नीचे है, जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी लेस देन 1500 किलो हर्ट्ज, उस सिग्नल को हम लोग ग्राउंड वेव से भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये ग्राउंड हमारा कंडक्टिंग है, तो मेरा जो भी मान लेते हैं सिग्नल ऐसे आया है तो ये क्या होगा, कंडक्टिंग होगा और ये हल्का सा रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये ग्राउंड से टकरा करके फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये ग्राउंड से टकराएगा, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ये जो एंगल होता है जिससे कि इंसिडेंस होता है और रिफ्लेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वेव
क्या होता है, वो ऐसा लगेगा कि ये बस ये जो अर्थ सरफेस है या ग्राउंड है वो ग्राउंड से ही सट सट के आगे चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्राउंड वेव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल ग्राउंड के पास ही रहता है और बहुत ही स्मॉल, यहाँ लिखा है ना जीरो और स्मॉल एंगल्स, ठीक है। जीरो एंगल मीन्स अगर कोई चीज़ ऐसे है, जीरो एंगल मीन्स इसी के बराबर, और स्मॉल एंगल मीन्स बहुत कम एंगल, ये जो एंगल रहेगा ये बहुत कम रहेगा। तो अगर मेरा ये ग्राउंड है तो यहाँ से जो वेव आता है ये आया, ये जो फिर रिफ्लेक्ट करेगा ये बहुत कम रहता है, तो ये लगभग लगता है कि ये ग्राउंड के जैसे ही, ग्राउंड को ही इमिटेट कर रहा है, जैसे जैसे ग्राउंड जा रहा है वैसे वैसे ये वेव चल रहा है, तो ये ग्राउंड को फॉलो करता है, इसीलिए उसको कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन या फिर सरफेस वेव, कि कोई भी चीज़ की ये सरफेस को फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे सरफेस जा रहा है ये सरफेस के ऊपर ऊपर ये ट्रांसमिशन अपना कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरफेस वेव ग्राउंड वेव इसी को कहते हैं, द अटेन्यूएशन ऑफ ग्राउंड वेव एज दे ट्रेवल अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी अटेन्यूएशन होगा, अटेन्यूएशन मतलब सिग्नल का डिग्रेडेशन होना, वैल्यू घट जाना, अटेन्यूएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और क्योंकि हम लोग ग्राउंड वेव में लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए अटेन्यूएशन भी कम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अटेन्यूएशन कम होगा। तो ग्राउंड वेव में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है 1500 या 1600 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर नहीं ले जाते हैं, तो ये एक तरह से लो फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए अटेन्यूएशन लो होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड है अप टू 1600 किलो हर्ट्ज़, जैसे मीडियम वेव और लॉन्ग वेव, ये सारे में हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं क्योंकि इसमें अटेन्यूएशन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन पे। स्काई वेव में क्या होता है, अभी हम लोग देखें ग्राउंड वेव के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, ग्राउंड वेव में है अटेन्यूएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो अगर हमको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजना है, फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ाएंगे अटेन्यूएशन भी बढ़ जाएगा, तो मेरा जो सिग्नल का क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अटेन्यूएट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हमको 1600 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर जाना होता है, ऐसा सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी 1600 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तब हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वेव में क्या होता है वो सिग्नल बहुत ज़्यादा अटेन्यूएट हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि अबव 1600 किलो हर्ट्ज़ द सिग्नल गेट्स वेरी अटेन्यूएटेड विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ इट्स ट्रांसमिशन, मतलब ग्राउंड वेव में थोड़े ही दूर जाने पे जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वो अटेन्यूएट हो जाता है, इसीलिए हम लोग ग्राउंड वेव को नहीं यूज़ करते हैं और स्काई 1600 किलो हर्ट्ज़ के बाद स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट कम्युनिकेशन इन शॉर्ट वेव बैंड्स अप टू 30 मेगा हर्ट्ज़ इज कैरीड आउट बाय स्काई वेव्स। अभी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव मतलब क्या हो, ये शॉर्ट वेव दिखा रहा है लैम्डा वेवलेंथ, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी कम था, तो वेव क्या है, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, अभी हम बताए कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है ग्राउंड वेव में सिर्फ 1500 किलो हर्ट्ज़, इसीलिए लैम्डा ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है मीडियम वेव लॉन्ग वेव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया 30 मेगा हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो लैम्डा कम होना चाहिए, इसीलिए देखो यहाँ पे शॉर्ट वेव लिखा हुआ है। तो अगर गूगल पे जा करके और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी देखोगे उसमें भी तुम लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा वेवलेंथ जो है वो घटता है, ठीक है। तो स्काई वेव कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमको 1600 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर और 30 मेगा हर्ट्ज़ तक का काम हो, जो कि आता है शॉर्ट वेव बैंड में, ठीक है। When such waves are transmitted high up in the sky, they travel in a straight line until the ionosphere is reached. अब इसमें क्या होता है, हम लोग पढ़े गए हैं कि ये अगर हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, बीच में स्काई है, उसके बाद स्काई में ही और ऊपर में जाने पर क्या होता है, आइनोस्फेयर शुरू हो जाता है, ठीक है। आइनोस्फेयर लेयर में बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, जो भी हम वेव ट्रांसमिट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे है वेव ट्रांसमिट किए, तो स्ट्रेट जाएगा और जब ये आयनोस्फेयर पे रीच करेगा तो आयनोस्फेयर क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा गैस मॉलिक्यूल्स और आयन्स प्रेजेंट है जो कि ये इस ये जो सिग्नल आ रहा है, ये वे आ रहा है, उसको बेंड कर देगा, ठीक है। तो द रीजन बिगिन्स अबाउट 120 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड कंटेन्स लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज गैसियस आयन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो हाइट है अर्थ सर्फेस से कितने दूर बाद आता है आयनोस्फेयर, 120 किलोमीटर बाद। तो हम लोग जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे कब कहाँ से कहाँ तक का, 1600 किलो हर्ट्ज़ टू 30 मेगा हर्ट्ज़ तक का जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे एंटीना से,
तो वो क्या होगा, स्ट्रेट ट्रैवल करेगा कितने दूर, 120 किलोमीटर के बाद आएगा आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में जा करके ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज आयन्स, न्यूट्रल मॉलिकुल्स, ये सब जो प्रेजेंट है आयनोस्फेयर में, वो क्या करेगा, इस स्ट्रेट लाइन को रिफ्लेक्ट कर देगा, बेंड कर देगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है द आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू बेंड ऑल पासिंग ईएम वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना, रेडियो वेव है, इसीलिए हाई फ्रिक्वेंसी इसमें ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो भी ईएम वेव जाएगा आयनोस्फेयर में, आयनोस्फेयर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा या बेंड कर देगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ आयनोस्फेयर आया है, ये वेव बेंड हो गया, तो ये कुछ एंगल बनाया कि कितने एंगल से बेंड हुआ। आयनोस्फेयर अगर यहाँ से शुरू है, ये मेरा आयनोस्फेयर है, तो बेंड कितने, ये कितना एंगल से किया, तो ये जो एंगल है कि मेरा जो भी वेव जा रहा है, ईएम वेव जो जा रहा है, वो कितने एंगल से बेंड होगा, वो इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, कि ये जो वेव मेरा जा रहा है ईएम वेव, उस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है। ऑल्दो ये होना चाहिए 1600 किलोहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एंगल जो है वो चेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द वेव एंटर्स द आयनोस्फीयर। मतलब ये जो वेव आयनोस्फीयर में एंटर कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मतलब ये वाला जो एंगल है, मान लेते हैं फाई है, तो ये किस एंगल से आयनोस्फीयर में घुस रहा है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि जिस, अगर डिफरेंट एंगल से एंटर कर रहा है आयनोस्फीयर में, तो डिफरेंट एंगल से वो बेंड होगा। तीसरा है डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द आयनोस्फीयर एट द पर्टिकुलर मोमेंट। ऐसा नहीं है कि आयनोस्फीयर में एकदम जो भी ये सब पार्टिकल्स है वो एकदम फिक्स पोजिशन पे है, ऐसा तो नहीं है, वो सब भी रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये हमेशा यहीं रहेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे आयनोस्फेयर में या कहीं भी स्पेस में, वो सारे रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर वेव जा रहा है, तो उस टाइम में, उस मोमेंट पे जो पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये कितना बेंट होगा, इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा। ठीक है, और फोर्थ क्या है, थिकनेस ऑफ आयनोस्फेयर एट दैट पॉइंट। थिकनेस ऑफ आयनोस्फेयर मतलब एक तरह से डेंसिटी समझ लो। ओके, तो ये चार चीज पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ये जो जो भी गैसियस आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, चार्ज पार्टिकल है, वो सारा हमारे ईएम वेव को किस एंगल से बेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इन चारों चीजों पे। ठीक है, आई होप सब क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं, ये हमारा मान लेते हैं अर्थ सर्फेस है, ये लाइन। ठीक है, अर्थ सर्फेस, अर्थ सरफेस के 120 किलोमीटर बाद आयनोस्फेरिक लेयर आता है। तो अगर यहाँ से मेरा ये आयनोस्फेरिक लेयर शुरू है, तो डैट मीन्स क्या हुआ, इतना डिस्टेंस क्या हुआ, 120 किलोमीटर। तो स्काई वेव में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर वेव ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या होगा, ये पहले स्ट्रेट जाएगा, जा करके आयनोस्फेयर में एंटर करेगा और ये बेंट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि वेव बेंट होने के बजाय आयनोस्फेयर से पास कर जाता है, तो आयनोस्फेयर जब क्रॉस कर जाएगा कोई वेव, तो उसको कहते हैं एस्केप्ड रेस। एस्केप मतलब किसी तरह से निकलना या भाग जाना, बोलते हैं ना किसी तरह से एस्केप हुआ। ठीक है, तो एस्केप मतलब वो अपने रीजन से चला गया, वो भाग गया, वो कहाँ गया, आयनोस्फेयर के पार चला गया। तो यहाँ तो हमको कोई काम नहीं है, मेरा रिसीवर तो यहाँ पे है अर्थ पे, आयनोस्फेयर के उस साइड तो नहीं है, तो ये सारा रे मेरे कोई काम का ही नहीं है, 4 और 5। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाला रे आयनोस्फेयर क्रॉस कर लिया, वो बन गया एस्केप्ड रे। सिमिलर वे में ये फोर्थ भी एस्केप हो गया। अभी क्या होगा, देखो ये क्यों एस्केप हुआ, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो उसी टाइप का है कि बेंड नहीं कर पाया आयनोस्फेयर। अभी हम लोग बोले कि आयनोस्फेयर जिस भी एंगल से बेंड करता है रे को, वो डिपेंड करता है कि वो किस एंगल पे इंसिडेंस है। ठीक है, तो अभी ये थर्ड वाला रे देखते हैं कि ये ऐसे आया ये। ठीक है, अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, आयनोस्फेयर क्या किया, इसको बेंड कर दिया। ठीक है, सिमिलर वे में सेकंड वाला अगर देखें, तो ये भी गया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अलग है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अलग था। अगर इसी के साथ देखें, तो ये एंगल और ये एंगल में बहुत डिफरेंस है। फिर ये भी गया, आयनोस्फीयर बेंड कर दिया, ये इधर आया। सिमिलर वे में ये जो फर्स्ट वाला बीम है, ये भी गया, ये बेंड हुआ, इधर आया। तो सभी का देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग है। ये जो 1, 2 और 3, ये तीनों रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस भी एंगल से वो आयनोस्फीयर पे टच कर रहा है, वो वाला इंसिडेंस अलग है, और जिस भी एंगल से वो बेंट हो रहा है वो भी अलग है। यहाँ पे देखो, ये इतना ब्रॉडली बेंट हो रहा है, यहाँ पे ये बिल्कुल शार्प बेंट हुआ, यहाँ पे ये और ज्यादा ब्रॉडली बेंट हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन जो है सारे वेव्स का अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फोर्थ और फिफ्थ है, देखो कि ये वेव
ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बेंड नहीं है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट में इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, ये वाला एंगल बोला है फाइव टू, ठीक है। तो अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइव टू है, या ये रे ऑलमोस्ट समझो कि स्ट्रेट है, अगर पूरा स्ट्रेट रहता तो ये रे ऐसे होता एकदम स्ट्रेट, तो ये बहुत ही कम बेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आयनोस्फीयर को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, जिस केस में इसको एस्केप्ड रे कहेंगे, ये हमारे कोई काम का होता नहीं है क्योंकि रिसीवर इसको रिसीव ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए स्काई वेव प्रोपोगेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ईएम वेव आ रहा है वो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इसको हिट कर रहा है आयनोस्फीयर को, ठीक है। और इसी में एक टर्म होता है स्केप डिस्टेंस। स्केप डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, पहला पॉइंट जहां से वेव जो है शुरू हुआ है जाना, और वो वेव कब अर्थ सरफेस को वापस से टच किया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं स्किप डिस्टेंस, ठीक है। विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द अलाउबल इंसिडेंट एंगल एट द आयनोस्फीयर बिकम्स स्मॉलर अंटिल फाइनली अ फ्रीक्वेंसी इज रीच्ड व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू डिफ्लेक्ट द बीम बैक टू अर्थ। मतलब जैसे जैसे हम लोग का जो भी सिग्नल है जो कि हम लोगों को भेज रहे हैं हम लोग ट्रांसमीटर एंटेना से, तो जैसे जैसे उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये जो एंगल इंसिडेंस हो रहा है, जैसे अगर ये वाला वेव है, क्लियर करने मान लेते हैं ये वाला वेव है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस ये वाले रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है, इस वाले रे के लिए क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाला है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा है, ये ज्यादा है, ये एंगल फिर थोड़ा कम है, ये एंगल और कम है, ठीक है। तो मानते हैं कि धीरे धीरे हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो अभी क्या हो गया, इसका एंगल निकाल रहे हैं तो ये और कम है, इसका एंगल और कम है, तो देख रहे हैं कि ये तीनों एंगल के लिए तो डिफ्लेक्ट हो रहा था बीम, लेकिन ये दोनों के लिए नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा कि मेरा रे जो है वो बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम लोग अभी पहले पढ़े, चार पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये आयनोस्फीयर पे जा रहा है, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर जो होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बेंड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा एंगल जो अलाउ है कि हाँ इतना जो है एंगल उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा कम होगा तो फिर क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा बीम और वो पास कर जाएगा, ठीक है। यही लिखा है, व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू डिफ्लेक्ट द बीम बैक टू अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्काई वेव में भी एक लिमिटेशन है कि आफ्टर 35 टू 40 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है रे का, उसके बाद क्या होगा, अगर हम और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो वेव होगा वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा अर्थ सरफेस पे, ठीक है। जैसे कि ये 4 और 5 बाहर चला गया आयनोस्फीयर के, तो इसीलिए स्काई वेव में हम लोग 30 मेगाहर्ट्ज तक यूज करते हैं, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हम लोग 35 टू 40 मेगाहर्ट्ज तक करते हैं तो क्या होता है, ये जो वेव्स होता है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता है। तो जब रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा तो हमारे कोई काम का नहीं है, इसीलिए स्काई वेव को हम लोग 35 टू 40 मेगाहर्ट्ज लगभग के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज तक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अबव दिस फ्रीक्वेंसी द स्काई वेव्स कैन नॉट बी यूज फॉर रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट पॉइंट ऑन द अर्थ, दिस इज वाई नो फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड 30 मेगाहर्ट्ज आर अलॉटेड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। समझ में आया, हम लोग क्या किए, ग्राउंड वेव में क्या था, ग्राउंड वेव में हमारा ये चीज था कि वो अर्थ सर्फेस के अलॉन्ग ही ट्रेवल करता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि 1500 किलो हर्ज टू 1600 किलो हर्ज तक का ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लोग भेजते थे, क्योंकि उस केस में अटेन्यूएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी के। तो अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा रहे थे तो अटेन्यूएशन बहुत बढ़ रहा था, इसीलिए फिर ग्राउंड वेव हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं लिए। फिर क्या किए, स्काई वेव लिए। स्काई वेव में हम लोग कहाँ से कहाँ तक का लिए, 1600 किलो हर्ज टू 30 मेगाहर्ज तक का सिग्नल लिए। 30 मेगाहर्ट्ज सिग्नल से, फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेंगे तो क्या होगा, मेरा जो वेव आयनोस्फीयर में जा रहा है वो वापस बैक नहीं आता है अर्थ सर्फेस में डिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है। तो इसी रीजन से क्या है कि स्काई वेव प्रोपोगेशन को हम लोग 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा के सिग्नल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा सिग्नल 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा का है
तो हम लोग किसमें जाएंगे, स्पेस वेव प्रोपोगेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोगों का मेथड ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो रहा है। यही हम लोग पहले पढ़े थे कि बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो भी हो, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब जिस भी वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा ग्राउंड प्रोपोगेशन यूज करेंगे, जिसका थोड़ा कम होगा स्काई वेव करेंगे, जिसका बहुत ही कम होगा वेवलेंथ उसके लिए स्पेस वेव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थर्ड देखते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। जनरली स्पेस वेव प्रोपोगेशन ही यूज होता है हमारा, क्योंकि हमारा जो जो प्रोपोगेशन होता है जनरली वो हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। ठीक है, तो 30 मेगाहर्ट्ज तक तो वहां तक ठीक था, 35 से 40 मेगाहर्ट्ज तक आते आते स्काई वेव में क्या होता था, वेव रिटर्न बैक नहीं हो पाता था अर्थ सर्फेस पे। तो इसीलिए प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स अबव 40 मेगाहर्ट्ज इज नॉट पॉसिबल थ्रू सर्फेस और स्काई वेव, क्योंकि हमारा जो टीवी ट्रांसमिशन बैंड है वो स्टार्ट ही हो रहा है 40 मेगाहर्ट्ज से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीवी ट्रांसमिशन बैंड को हम लोग स्काई वेव या फिर जो ग्राउंड वेव या सर्फेस वेव प्रोपोगेशन था उसे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, सो फॉर UHF एंड VHF ट्रांसमिशन डिस्पाइट लार्ज अटेन्यूएशन रेडियो वेव्स आर यूज्ड व्हिच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। हम लोग पहले भी पढ़े हैं टीवी ट्रांसमिशन में कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमारा स्काई वेव और ग्राउंड वेव में नहीं आएगा। टीवी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, अच्छा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा। वेवलेंथ एक तरह से लेंथ ऑफ वेव की तरह समझ सकते हो। ठीक है, तो कोई वेव जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा दूर ऐसे तो ट्रेवल नहीं कर पाएगा ना। तो स्पेस वेव में क्या होता है, हम लोग लाइन ऑफ साइट करते हैं, LOS। लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होता है कि मेरा जो ट्रांसमीटर एंटीना है और रिसीवर एंटीना है वो दोनों में लाइन ऑफ साइट हो, मतलब वो दोनों एक दूसरे को देख पाए, कि स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट हो, ऐसा नहीं कि बीच में एक बिल्डिंग आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर में एक स्ट्रेट कनेक्शन हो। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि रेडियो वेव्स आर यूज्ड व्हिच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। जैसे अगर इस डायग्राम में देखें तो ये मेरा ट्रांसमीटर एंटीना है, ठीक है, ये मेरा रिसीवर एंटीना है, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो भी स्ट्रेट लाइन जाएगा वो मेरा LOS होगा, मतलब लाइन ऑफ साइट होगा। जैसे इसको डायरेक्ट वेव कहा गया, ये एकदम स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक है, इसीलिए ये LOS कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखें कि ये वाला जो वेव है ये आया पहले ग्राउंड से, टकराया सी पॉइंट पे, फिर टकरा करके ये पहुँचा रिसीवर पे, रिसीवर पे ये वाला वेव भी पहुँचा है, लेकिन ये LOS या डायरेक्ट वेव नहीं है, क्योंकि ये क्या हुआ, ये ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर के उसके बाद पहुँचा है। ठीक है, तो द मैक्सिमम रेंज इज लिमिटेड टू LOS बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब हम लोग कितने दूर तक का इसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो जितने दूर तक का LOS हम बना पाए ट्रांसमीटर और रिसीवर में। अगर ये जो रिसीवर एंटीना इसको और दूर कर देंगे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लगाते रिसीवर एंटीना तो क्या होता, लाइन ऑफ साइट यहाँ तक होता, और दूर कर देंगे, और दूर करते करते क्या होगा, ये बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, रिसीवर एंटीना का कुछ तो हाइट होगा। तो इसीलिए ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना के LOS पे मतलब जो उनके बीच का जो लाइन ऑफ साइट है उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना रेंज तक इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, द सर्फेस ऑफ अर्थ कैन बी अज्यूम टू बी फ्लैट एंड डिफरेंट रेज ऑफ वेव प्रोपोगेशन कैन रीच द रिसीवर फ्रॉम ट्रांसमीटर। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अर्थ सर्फेस अभी तक ऐसा बना रहे थे, हम लोग जानते हैं अर्थ जो है वो राउंड होता है, लेकिन इस केस में हम लोग अज्यूम करते हैं कि ठीक है चलो हमारा जो अर्थ सर्फेस है वो फ्लैट है, ऐसा है, क्योंकि ज्यादा दूर तक तो हम लोग ट्रांसमिट कर नहीं सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग ज्यादा दूर नहीं देखते हैं, घर में देखते हैं तो दिखता है ना कि ग्राउंड सर्फेस जो है वो प्लेन है। ठीक है, जब मैप देखोगे, जब बहुत ज्यादा दूर से देखोगे तब लगेगा कि हाँ अर्थ जो है वो राउंड है, लेकिन जितना दूर हमारा नजर जाता है वहां तक तो लगता है कि अर्थ फ्लैट है। और स्पेस वेव में क्या होगा, हमारे वेव का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होगा, तो वो बहुत ज्यादा दूर तक तो जा नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें अज्यूम करते हैं कि चलो हमारा ग्राउंड सरफेस जो है वो फ्लैट है। ठीक है, अब फ्लैट ग्राउंड सरफेस चूज कर लिए कि मेरा ग्राउंड सरफेस ये है, ट्रांसमीटर एंटीना हुआ, ठीक है, ट्रांसमीटर एंटीना को स्मॉल में TX लिख सकते हैं, ये रिसीवर एंटीना हुआ RX। अभी क्या होगा, LOS होना जरूरी है, मतलब जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट होना, तो एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा, यहाँ से हम जो भी वेव ट्रांसमिट करेंगे वो डायरेक्ट रिसीवर तक पहुंचेगा। दूसरा वेव क्या हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे टच किया उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर पे पहुंचा। तीसरा वेव क्या हो सकता है,
मान लेते हैं यहीं पे टच किया, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे पहुंचा, तो ऐसा ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हो सकता है ना जो कि रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर के रिसीवर पे पहुंचे, ठीक है। तो हम लोग सारे वेव को रिसीव करते हैं रिसीवर पे, चाहे वो डायरेक्ट वेव हो या फिर वो रिफ्लेक्टेड वेव हो, ठीक है। टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ई, ये जो कि एंटीना काम करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये जो रेडिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, मतलब ई फील्ड और एच फील्ड होता है, इसीलिए उसका जो पावर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लेते हैं, ठीक है। तो ये दो एंटीना जो है हमारा रिसीवर और ट्रांसमीटर एंटीना, इसके बीच जितना भी डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं डी, ठीक है। अब हम यहाँ से 10 वॉट का मान लेते हैं सिग्नल ट्रांसमिट किए और डी डिस्टेंस पे एक रिसीवर एंटीना लगाए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना वॉट पावर रिसीव हुआ। 10 वॉट का 10 वॉट तो रिसीव नहीं होगा, क्योंकि भाई इतना दूर से ये डी डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा तो बिल्कुल पावर सेम तो रहेगा नहीं, पावर तो चेंज होगा। तो कितना पावर चेंज होगा ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है, कि ये जो रिसीव्ड जो फील्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे रिसीवर एंटीना पे कितना फील्ड स्ट्रेंथ रिसीव होगा, तो ई नॉट इंटू 4πff, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट किए हैं वो, HT मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमिटर एंटीना, HR मीन्स हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना, और D स्क्वायर क्या है इसका डिस्टेंस है, HT और HR में डिस्टेंस, मतलब ये जो ट्रांसमिटर एंटीना और रिसीवर एंटीना कितने दूरी पे रखा गया है वो। तो हम लोग को जनरली इस फॉर्मूला से मतलब नहीं रहता है, इस फॉर्मूला में एक बहुत अच्छा चीज़ है जो कि हम लोग देख सकते हैं कि कितना फील्ड स्ट्रेंथ रिसीव होगा या कितना पावर रिसीव होगा वो डिपेंड किस पे करता है, 1/d² पे, क्योंकि देखो ये हाइट जो है एंटीना का हाइट तो हम लोग नहीं बदलते हैं ना बार बार, एक बार जो टावर लग जाता है या एक बार जो एंटीना लग जाता है वो तो लगे रहता है, तो HTHR हम लोग बदल नहीं सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग भेज रहे हैं सिग्नल का उसको भी हम लोग नहीं बदल रहे हैं, तो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, डी स्क्वायर पे, तो E=1/d², मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/d² के, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर दो एंटीना के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, 1/4। अब अगर हम डिस्टेंस और बढ़ा देते हैं एंटीना के बीच में, मान लो कि हम 4 मीटर कर देते हैं दूरी, तब क्या हो जाएगा, E डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, मतलब 1/16, तो पावर कम होते जा रहा है ना। तो जैसे जैसे हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, मेरा जो रिसीव्ड पावर है या रिसीव्ड फील्ड स्ट्रेंथ है वो घटते जाएगा, ठीक है। अब वो ये रिलेशन कौन सा फॉर्मूला बताता है, ये वाला फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नोट में लिखा हुआ है कि द फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनास, फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, बिल्कुल ये अगर याद है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², तो ये वाला सेंटेंस लिख सकते हो कि फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनास एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट, ये जो हाइट है इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको ये इक्वेशन कैसे लिखा गया, ये E=E₀ 4πfHTHR/d², तो क्या पता चल रहा है कि ये E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है HTHR के, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एंटीना का हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, देखते होगे मोबाइल टावर या ये सब भी जो लगता है वो बहुत हाइट पे लगता है, या बिल्डिंग एकदम ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग के एकदम छत पे लगता है, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि हम लोग जितना ज़्यादा हाइट पे एंटीना रखेंगे हमको उतना अच्छा रिसीव सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब ये जो स्पेस प्रोपोगेशन होता है, क्योंकि जनरली हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पे ही डील करते हैं, तो क्योंकि टीवी ट्रांसमिशन है वो तो UHF और VHF बैंड यूज़ करेगा, तो हम लोगों को यूज़ क्या करना होगा, स्पेस वेव भी यूज़ करना होगा। इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ पे इफेक्ट इसका होता है। जैसे हम लोग स्काई वेव में देखे थे कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता था, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पे डिपेंड करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल से वो आयनोस्फेयर पे इंसिडेंट हो रहा है उस पे डिपेंड करता था, कि उस मोमेंट पे कितना गैशियस आयन जो है वो प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता था। सिमिलर वे में स्पेस वेव का भी कुछ कुछ चीज़ है जिस पे चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर, मतलब अर्थ के कर्वेचर का, अर्थ अभी हम लोग इसमें क्या माने हैं कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ का कर्वेचर अगर मान लेते हैं ये अर्थ है राउंड अर्थ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अर्थ कर्वेचर लिमिट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना, मतलब ये लिमिट्स मतलब क्या होता है, उसमें लिमिट करना या फिर उसको रोकना या फिर एक तरह से समझो कि कम करना, तो ये जो अर्थ कर्वेचर है ये
जो डिस्टेंस होता है रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में उसको लिमिट करता है, मतलब उसको हम फ्रीली चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो फिक्स कर देता है. क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अभी ये अर्थ का कर्वेचर ऐसा है, ये मेरा ट्रांसमीटर एंटीना है, तो ट्रांसमीटर एंटीना से हमको तो स्पेस वेव में लाइन ऑफ साइट चाहिए, तो अभी लाइन ऑफ साइट क्या होगा, हमको ऐसे करके लाइन ऑफ साइट यहाँ जाना होगा, क्योंकि देखो ऐसे तो नहीं ला सकते हैं अर्थ के बीच से, तो तुम रे नहीं ले जाओगे कि तुम यहाँ पे रिसीवर एंटीना रख दो अपना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है. तो तुमको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा एकदम अगर तुम मिनिमम डिस्टेंस चाहते हो तो क्या चाहते हो कि ठीक है अर्थ सर्फेस को छू करके निकल जाए. तो यहाँ से आया लाइन, ये इधर अर्थ सर्फेस को छू करके उसके बाद कहाँ आया, हम यहाँ पे एंटीना लगा सकते हैं. रिसीवर एंटीना अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रे आएगा, रिसीवर एंटीना तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि अब अर्थ को तुम पेनिट्रेट करते हुए तो यहाँ पे नहीं आओगे ना, ठीक है. तो इसीलिए बोला गया कि जो अर्थ का कर्वेचर है वो लिमिट कर देता है कि हाँ ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो अर्थ का कर्वेचर डिसाइड करेगा, ठीक है ना. क्योंकि देखो अभी ये जो डिस्टेंस है डी, इसको ये वो जो लाइन है इस लाइन को तुम और छोटा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम और छोटा करके इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि अर्थ के बीच से तुम नहीं निकल सकते हो. तो इसका कहने का मतलब यही है कि ये जो अर्थ कर्वेचर है ये डिसाइड करेगा कि डी कितना होगा, ठीक है. अभी मान लेते हैं मेरा अर्थ का कर्वेचर ऐसा होता, तब क्या होता, अगर यहाँ पे हम ट्रांसमीटर एंटीना रखेंगे तो क्या काम बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, बीच से तो जा नहीं सकता है. तो अभी रिसीवर एंटीना मान लेते हैं ट्रांसमीटर यहीं पे है, तो रिसीवर कहाँ होगा, हमको बिना अर्थ को पेनेट्रेट किए जाना होगा, तो हम ऐसे जाएंगे इसको छू करके, तो रिसीवर एंटीना कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए. पहले मेरा रिसीवर यहाँ था, अर्थ कर्वेचर बढ़ाए तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो रिसीवर अब यहाँ होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड पॉइंट है द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस डी, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू एंटीनास कैन बी गिवन एज, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. तो अगर ये क्या बताता है कि ठीक है अगर मेरे पास दो एंटीना है, ट्रांसमीटर एंटीना का हाइट एच टी है, रिसीवर एंटीना का हाइट एच आर है, अब हमको देखना है कि इसका जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब इन दोनों को हमको कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना होगा, ठीक है, कितने दूर हम इसको रखें, इन दोनों एंटीना के बीच में कितना डिस्टेंस रखें, तो वो क्या होगा 4.22 इंटू रूट अंडर एच टी प्लस रूट अंडर एच आर किलोमीटर. ये वाला आंसर हमेशा किलोमीटर में होगा, ये नहीं भूलना है, ठीक है. तो इन रियालिटी ई एम वेव्स आर बेंट स्लाइटली एज दे ग्लाइड अलॉन्ग द अर्थ सर्फेस एंड इंक्रीजेज एलओएस डिस्टेंस. ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो ई एम वेव्स होता है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है. मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है, अगर कोई आदमी एकदम स्ट्रेट जा रहा है यहाँ पहुँच गया, ओके, लेकिन कोई आदमी क्या किया, हल्का सा बेंट हो गया, इधर टेढ़ा चलने लग गया, इसको पहुँचना है इसी पॉइंट पे, तो वो फिर ऐसे घूम करके आया, पहुंचा दोनों वही ए से बी ही पहुंचा दोनों आदमी, लेकिन क्या हुआ, ये वाला जो है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है. तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हालांकि हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ एकदम एलओएस है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ईएम वेव कभी भी इतना स्ट्रेट लाइन में प्रैक्टिकली नहीं जाता है, ठीक है. प्रैक्टिकल जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है, तो जहां बेंट होगा वहां डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है. तो ये अगर मान लो ये बेंट हो रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंट होकर के ऐसे जाएगा, तो जो ये वाला लाइन था उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका लेंथ हो जाता है. तो वही बोला है कि एलओएस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो अब एलओएस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड कवरेज इंक्रीज हो रहा है मेरा, ठीक है. तो दस ग्राउंड कवरेज विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना. ये तो हमको इससे भी पता चल रहा है कि अगर हम एच टी एच आर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो एलओएस है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है. LOS ग्राउंड कवरेज क्यों, मान लेते हैं मेरा ट्रांसमीटर यहाँ है, रिसीवर यहाँ है, तो अगर ये D है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी सिग्नल है हमको यहाँ पे कवरेज दे रहा है ना, सिग्नल इसके बीच में है, ठीक है. तो इसीलिए हम जितना ज्यादा HT और HR लेंगे उतना ज्यादा LOS रहेगा और उतना ज्यादा हमको ग्राउंड कवरेज मिलेगा, ठीक है. अब हाई जो हम लोग एंटीना को बोलते हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी प्रीफर इंस्टॉलिंग एंटीनास एट हाई एल्टीट्यूड, हम लोग क्यों चाहते हैं कि हमारा एंटीना जो है उसका हाइट ज़्यादा हो, या फिर हम लोग उसको एकदम हाई एल्टीट्यूड पे क्यों रखते हैं, जैसे बिल्डिंग के टॉप पे क्यों लगाते हैं. तो इसका दो रीज़न डायरेक्टली यहाँ से ये दोनों लिख सकते हो.
पहला चीज क्या है कि मेरा स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है तो उसमें ये फॉर्मूला होता है, तो जैसे ही हम लोग हाइट बढ़ाएंगे तो मेरा LOS बढ़ जाता है, LOS बढ़ता है इसका मतलब ग्राउंड कवरेज बढ़ रहा है, जो कि हम लोग को चाहिए, हम लोग चाहते हैं ना कवरेज अच्छा हो। जैसे तुम्हारा मोबाइल है, कभी कवरेज नहीं मिलता है कहीं जाते हो तो क्या होता है कि अरे सब जगह कवरेज रहता है, सारे जगह सिग्नल आता तो अच्छा रहता। तो हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि ग्राउंड कवरेज ज़्यादा हो, तो ग्राउंड कवरेज ज़्यादा होने के लिए LOS ज़्यादा होना पड़ेगा। LOS ज़्यादा कब होगा? जब मेरा HT और HR इंक्रीज होगा, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जब ज़्यादा हाइट पे हम लोग एंटेना को प्लेस करते हैं तो जो भी लोकल नॉइज़ रहता है ना, लोकल नॉइज़ मतलब नॉर्मली जो नॉइज़ रहता है एनवायरनमेंट में, वो पिकअप नहीं हो पाता है। क्योंकि मान लो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कहीं पे भी एंटेना लगा या नॉर्मल अपने आसपास के सिनारियों में बिल्डिंग्स रहता है, ट्री रहता है, ठीक है, कार्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सारे बिल्कुल हाइट पे तो नहीं जाते हैं, ठीक है। जो भी बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग के टॉप पे अगर हम यहाँ पे एंटीना लगाए हैं तो इस एंटीना को तो मतलब ही नहीं है ना कि नीचे क्या हो रहा है। तो जितना ज्यादा हाइट पे लगाएंगे उतना कम नॉइज हम लोग का पिकअप करेगा एंटीना, ठीक है। दूसरा जो है वो है इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक्स। एटमोस्फेरिक्स मतलब एटमोस्फेयर भी इफेक्ट डालता है हमारे जो प्रोपोगेशन होता है उस पे। देखते होगे कि जो DTH वगैरह में जनरली देखते होगे तुम लोग कि जब भी बारिश होता है तो सिग्नल चला जाता है, उसमें TV पे दिखाने भी लगता है कि हाँ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, ठीक है, सिग्नल इज लॉस्ट। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा प्रोपोगेशन हो रहा है वो एटमोसफेयर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। स्पेस वेव्स आर डिफरेंटली रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड वाटर वेपर विच चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमोसफेयर। अभी स्पेस वेव में अभी हम लोग बताए थे ना कि अगर दो एंटीना है तो एक तो डायरेक्ट वेव होता है, दूसरा क्या होता है ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर के तब इस पे जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है, कुछ वेव रिफ्रैक्ट भी होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब पढ़े होंगे। तो रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो जो मेरा एटमोसफेयर होता है उसमें भी बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर और बहुत सारा चीज़ होता है। हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि जो हमारे आसपास का एयर होता है उसमें भी बहुत सारा कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो जब भी मेरा वेदर चेंज होता है या एटमोसफेयर चेंज होता है तो क्या होता है, मेरा जो स्पेस वेव है जो कि रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रहा है वो अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, वो डिफरेंटली बिहेव करने लगता है। जैसे बारिश के कंडीशन में क्या होगा, अगर बारिश का मौसम है तो मेरा जो एयर है या स्पेस है उसमें वाटर वेपर का मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर बारिश का मौसम नहीं है, बहुत ही ड्राई वेदर है, तो उसमें बारिश का जो मॉलिक्यूल है वो नहीं होगा, वाटर वेपर बहुत कम होगा, तो उस समय एटमोसफेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, बारिश के टाइम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ठीक है। तो अंडर सर्टेन कंडीशन दिस इनेबल्स द प्रोपोगेशन टू रीच पॉइंट्स वेरी मच बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट। तो वो तो डिपेंड करता है, मान लो तुमको यहाँ पहुँचना है, रिफ्लेक्शन ये ट्रांसमीटर एंटीना है, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे रिसीवर एंटीना है। अब मान लो ये चला, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, अब एटमोसफेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, तो हो सकता है कि इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करे, ये एंटीना तक पहुँचे ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, या फिर मान लो कि ये गया और ये ऐसे करके इधर आया, तब क्या होगा, एंटीना तक तो नहीं पहुंच रहा है, ये सारा वे इधर गया इधर आ गया, ये इधर आया इधर गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्यों हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एंड इंडेक्स चेंज हो गया एटमोसफेयर का, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगा, जो भी एटमोसफेयर में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो सारा डिसाइड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो अंडर एडवर्स वेदर कंडीशन द सिग्नल अटेन्युएशन इंक्रीजेस एंड हेंस ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। तो हम लोग देख लिए, एडवर्स आंधी आता है, तूफान आता है, बारिश होता है, इस केस में क्या होता है, कभी हम लोग तो मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है ना, क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होता है, अटेन्युएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, हमारे जो हमारा एयर है या एटमोसफेयर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, सिग्नल अटेन्युएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ट्रांसमिशन डिस्टेंस मतलब सिग्नल कितने दूर जा पाएगा वो घट जाता है, इसीलिए हम लोगों को सिग्नल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये स्पेस वेव का दो अभी हम लोग एस्पेक्ट पढ़े, एक तो इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर, दूसरा पढ़े इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक। अर्थ कर्वेचर में क्या पढ़े कि अर्थ कर्वेचर में जो LOS है वो डिपेंड करेगा HT और HR पे, ठीक है। अर्थ कर्वेचर में एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों को मिला कि एंटीना को हम लोग बहुत हाइट पे क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पहला चीज कि हाइट पे रखने से ग्राउंड कवरेज एरिया बढ़ता है, जो कि हम लोग को इस फॉर्मूला से दिख रहा है। दूसरा चीज क्या होता है कि हाइट पे रखने से जो भी लोकल नॉइज है वो कम होता है, ठीक है।
दूसरा जो हम लोग एस्पेक्ट पढ़े वो था एटमोसफेयर का एस्पेक्ट। तो ये क्या था कि एटमोसफेयर में जो है बहुत तरह का गैस मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स ये सब प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वो क्या होगा, स्पेस वेव को डिफरेंटली रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होता है तो हमारा सिग्नल बहुत ज़्यादा अटेन्यूएट हो जाता है, इसीलिए हम लोग को सिग्नल नहीं मिलता है। थर्ड चीज़ जो है वो है इफेक्ट ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, बैरियर या फिर कोई रुकावट। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल क्या आता है, टॉल एंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, तो टॉल एंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक हिल्स एंड बिल्डिंग्स विल ऑब्स्ट्रक्ट सर्फेस वेव्स विच ट्रैवल क्लोज टू ग्राउंड, कंसिक्वेंटली शेडो जोन्स एंड डिफ्रेक्शन विल रिजल्ट। अब मान लो कि तुम्हारा ट्रांसमीटर एंटीना यहाँ है, रिसीवर एंटीना यहाँ है, और बीच में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग है या फिर कोई बहुत बड़ा हिल है, तो क्या होगा, वेव्स यहाँ तक पहुँचेगा, जा ही नहीं पाएगा आगे। ठीक है, ये यहीं से लौट जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा बिल्डिंग या फिर जो हिल्स रहता है उसके पार जाना तो मुश्किल है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये वेव पूरा, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इतने हाइट तक आ जाए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्स्टेकल के कारण, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, टॉल होता है, वो सब के कारण क्या होता है कि हमारा जो वेव्स है वो आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, तो जिसके कारण हमारा शैडो जोन आता है। फॉर दिस रीजन इन सम एरियाज एंटीना हायर देन दोज इंडिकेटेड बाय थियोरिटिकल एक्सप्रेशंस आर नीडेड। अभी हम लोग एक्सप्रेशन देखे कि d इक्वल्स टू एच टी रूट अंडर एच टी प्लस रूट अंडर एच आर 4.22, ये वाला एक्सप्रेशन देखे थे। तो एंटीना डिजाइनर के पास हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग डिराइव किए हुए हैं फॉर्मूला कि कितना हाइट पे एंटीना हमको रखना होगा। ठीक है, और कौन से, जब किसी एरिया, और हर एरिया पे अलग अलग ये होता है तुम्हारा सर्वे। जैसे किसी एरिया में देखोगे जो भी टावर लगा है वो थोड़ा सा उसका हाइट उतना नहीं रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। तो इंस्पेक्शन के लिए जब भी एंटीना इंस्टॉल करना रहता है तो पहले इंस्पेक्शन के लिए टीम जाती है, वो देखती है कि अच्छा उस एरिया में क्या है। अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा हिल्स है या बिल्डिंग्स है, ऑब्स्टिकल्स बहुत है, तो वो क्या करते हैं, जितना भी उनका थियोरेटिकली फॉर्मूला से जो भी आ रहा है हाइट, उससे ज़्यादा हाइट पे एंटीना रखते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ऑब्स्टिकल है। अगर ये इतना बड़ा टॉल बिल्डिंग है या इतना बड़ा हिल है और एंटीना हाइट अगर इतना ही रखेंगे तो सिग्नल आगे नहीं जा पाएगा। इसीलिए वैसे एरिया में क्या करते हैं, वो लोग ट्रांसमीटर एंटीना का हाइट बढ़ाते हैं ताकि वो हिल के और जो भी बिल्डिंग है वो सब के हाइट से ज़्यादा हो, ताकि मेरा सिग्नल आराम से प्रोपोगेट कर सके। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम एरियाज रिसीव सिग्नल बाय रिफ्लेक्शन ओनली। तो रिफ्लेक्शन से भी होता है लेकिन उसका चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये घोस्ट इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे घोस्ट इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल में। अब एक कॉन्सेप्ट, इसी ऑब्स्टेकल के इफेक्ट के कारण एक कॉन्सेप्ट आता है बूस्टर स्टेशन। ठीक है, बूस्टर स्टेशन क्या करता है कि सम एरियाज आर आइदर शेडोड बाय माउंटेन्स और आर टू फार अवे फ्रॉम ट्रांसमीटर फॉर सेटिस्फैक्ट्री टेलीविजन रिसेप्शन। मतलब मान लो कि मेरा ट्रांसमीटर एंटीना यहाँ पे है, ठीक है, और जिस एरिया में हमको सिग्नल रिसीव करना है वो यहाँ पे है। तो अभी क्या होगा कि अगर ये एरिया बहुत दूर है, जैसे मोबाइल, सबसे ईजिएस्ट एग्जांपल तो मोबाइल नेटवर्क का ही रहता है। पहले क्या था कि बहुत कम टावर इंस्टॉल थे तो हर जगह नेटवर्क नहीं आता था, तुम टावर से थोड़ा दूर जाते थे तो तुम्हारा नेटवर्क जो है सिग्नल कम आता था। लेकिन अब क्या किया गया, हर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के इसमें इंटरवल में एक एंटीना को सेटअप किया गया, ताकि जितने भी यूजर्स हैं वो एंटीना से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएं। ज़्यादा दूर जाएंगे तो सिग्नल खराब होना ही है। तो इसीलिए अभी क्या होता है कि मान लो रेडियो स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन जो मेरा एरिया है वो बहुत दूर है। जैसे ये प्रॉब्लम खास करके हिली एरिया में होता है, तो एरिया बहुत दूर है तो इतना दूर नहीं पहुंच पाएगा सिग्नल आराम से। यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या होगा, बहुत ज़्यादा अटेन्यूएट हो जाएगा सिग्नल। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक हिल है, तो क्या होगा, यहाँ से जो रेडियो वेव आएगा ये हिल तक पहुंचेगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये हिल पे ही एक बूस्टर स्टेशन लगाते हैं। वो बूस्टर स्टेशन क्या करेगा, यहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहा है बूस्टर स्टेशन रिसीव करेगा और फिर सेम इन्फॉर्मेशन को बूस्टर स्टेशन इस पर ट्रांसमिट कर देगा। मतलब जैसे पास होता है ना, मान लो 3 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, इसको पेन चाहिए, मान लो इसको पेन चाहिए, ये मांगेगा, इसके पास पेन है तो ये इसको देगा और फिर ये इसको पास कर देगा। वही चीज़ होता है बूस्टर स्टेशन का काम क्या होता है, यहाँ से ट्रांसमिट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करेगा और फिर उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ आगे वाले एरिया में पहुँचा देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मसूरी। मसूरी जो है वो एक बूस्टर स्टेशन है।
ठीक है, तो मसूरी में क्या होगा, जो भी ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटेना है वो यहाँ पे फिक्स रहेगा मसूरी में। मसूरी तो हिली एरिया है, सभी जानते हैं, तो वहाँ पे जो मान लो ये हिल है तो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर एंटेना रहेगा, एक रिसीवर एंटेना रहेगा। ट्रांसमीटर एंटेना क्या करेगा, दिल्ली स्टेशन से जो भी चीज़ ये ट्रांसमिट हो रहा है उसको रिसीव करेगा, फिर ये इधर वाला एंटेना क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा आगे वाले एरिया में। ठीक है, मसूरी का जो एरिया है उसमें ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसमिशन दिल्ली दिल्ली से मसूरी ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन क्योंकि हिली एरिया है तो क्या होता है, जो भी चीज़ दिल्ली में हो रहा है वो डायरेक्ट मसूरी में नहीं जा पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बूस्टर स्टेशन लगाए मसूरी में, वो क्या करेगा, दिल्ली में जो भी चीज़ ट्रांसमिट हो रहा है इसका रिसीवर एंड बूस्टर स्टेशन का जो रिसीवर एंटीना वो रिसीव कर लेगा, फिर जो भी चीज़ ये रिसीव किया है बूस्टर स्टेशन अपने ट्रांसमीटर एंटीना से इसको ट्रांसमिट करके इस साइड ट्रांसमिट कर देगा, ताकि मसूरी में जो एरिया है वहाँ के लोग वो सिग्नल रिसीव कर पाए। ठीक है, तो एक तरह से बूस्टर स्टेशन क्या करता है, कि रिले का काम करता है। आगे समझ में, तो ये सारा था बूस्टर स्टेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे कि टीवी सिग्नल हमारा कौन कौन सा इंटरफेरेंस से सफ़र करता है। तो इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।